दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और राजधानी में हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हमारी कोशिश है कि वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं, हमारे देश का ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हमारे देश की राजधानी का ट्रांसपोर्ट सेक्टर उसके कंपेरेबल होना चाहिए। दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। उसका एक बड़ा कारण है कि दिल्ली की सड़कों के ऊपर कार और स्कूटर बहुत हैं, प्राइवेट व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हमें कार और स्कूटर पे ट्रैवल करने वाले लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लेके जाना है, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल, सेफ और टाइम के अकॉर्डिंग चले, ये हमें इंश्योर सुनिश्चित करना होगा। सबसे बड़ा रेवोल्यूशन दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तब आया था जब दिल्ली में मेट्रो शुरू हुई थी। बहुत सारे ऐसे लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इवन अपर मिडिल क्लास के भी लोग हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के और मेट्रो से जाना शुरू किया। इससे दिल्ली की सड़कों पे काफ़ी व्हीकल्स की कमी आई थी। लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब मेट्रो को भी 22-23 साल हो गए, 25 साल हो गए, धीरे धीरे दिल्ली की सड़कों पे फिर से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेट्रो खचाखच भर गई हैं, जिसकी वजह से एक रिपल्सिव इफेक्ट है कि जिन लोगों ने मेट्रो में जाना शुरू किया था, मेट्रो में जगह नहीं मिलती, बैठने की जगह नहीं मिलती, खचाखच भरी रहती है, वो आराम नहीं है। सो वापस लोग अपनी गाड़ियों पे आ गए, वापस लोग अपने स्कूटर पे आ गए। दिल्ली में बसें हैं, दिल्ली की DTC की बसें हैं, क्लस्टर बसें हैं। वो बसेस लोअर मिडिल क्लास तक इस्तेमाल करते हैं लोग। बसेस AC बसेस भी हैं, लेकिन बसेस में सीट की कोई गारंटी नहीं है, वो वाला कंफर्ट नहीं है जो एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास एक्सपेक्ट करता है। उसको देने के लिए एक स्कीम के ऊपर हम पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं। प्रीमियम बसेस हम लाने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली में। ये अपनी तरह का पहला एक्सपेरिमेंट है पूरे देश के अंदर। इस तरह की प्रीमियम बसेस पूरे देश में कहीं, एक स्कीम के तहत कहीं नहीं चलाई गई हैं। इसको एक स्कीम बनाई है हमने, दिल्ली मोटर व्हीकल्स लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेट प्रीमियम बसेस स्कीम, एग्रीगेटर। तो प्रीमियम बसेस के एग्रीगेटर स्कीम हम लेके आ रहे हैं। ये प्रीमियम बसेस जो हैं, ये कंफर्टेबल होंगी, 2x2 की बसेस होंगी, एयर कंडीशनड होंगी। इनके अंदर बसों में वाईफाई होगा, GPS होगा, CCTV होगा, पैनिक बटन होगा, और सीट की बुकिंग जो है वो ऐप बेस्ड या वेब बेस्ड होगी। कोई भी खड़ी सवारी अलाउ नहीं की जाएगी, आपको शर्तिया तौर पे सीट मिलेगी। इस किस्म की स्कीम पहली बार लाई जा रही है, और इसमें हमारा मकसद पूरा का पूरा ये है, ये टारगेट किया जा रहा है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को, जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, जो अपने कंफर्ट के लिए पे कर सकते हैं, रोज अपनी कार लेके जाते हैं, कार का पेट्रोल खर्च करते हैं, लेकिन अगर उनको ऑप्शन मिलेगा कि एक बस है जो कि कंफर्टेबल है, तो हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी कार छोड़ के और बसेस की तरफ शिफ्ट करेंगे। इसमें 3 साल से पुराना व्हीकल अलाउ नहीं किया जाएगा। जो बसेस लेके आएंगे वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, CNG होंगी। लेकिन 1 जनवरी 2024 के बाद की जो भी बस खरीदी जाएगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी जरूरी है। इसमें जितनी बसें होंगी, बस की इसमें लाइसेंस दिया जाएगा एक एग्रीगेटर को, और वो लाइसेंस फीस उसको देनी होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक बसेस लेके आएगा उसकी कोई लाइसेंस फीस नहीं होगी। दिस इज जस्ट टू इनकरेज दैट मोर एंड मोर पीपल शुड कम विद इलेक्ट्रिक बसेस। कोई भी बस जो है उसमें कम से कम 12 सीटें होनी चाहिए, 2x2 की कम से कम 12 हों, उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। एक एग्रीगेटर कम से कम 50 बसेस, लाइसेंस मिलने के बाद, लाइसेंस अप्लाई करेगा, लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस मिलने के 90 दिन के अंदर उसको कम से कम 50 बसेस ऑपरेट और मेंटेन करनी होंगी। सबसे खास बात इस स्कीम की यह है कि रूट्स हम नहीं देंगे, रूट्स एग्रीगेटर हर बस के खुद डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ
जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे ज़्यादा बस चलेंगी, तो ऑब्वियसली जहाँ वहाँ ज़्यादा बस चलेंगी तो वो ट्रैफिक को ईज़, वो ट्रैफिक ईज़ होने में मदद मिलेगी। तो वो रूट्स खुद डिसाइड करेगा, खुद सेलेक्ट करेगा, हमें इन्फॉर्म कर देगा, दिल्ली सरकार को केवल इन्फॉर्म करेगा। फेयर भी वो खुद डिसाइड करेगा, मार्केट डिसाइड करेगी फेयर। हमारी एक ही शर्त है कि डीटीसी का जो फेयर है उससे ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि डीटीसी से कम फेयर, इसके अंदर डीटीसी से ज़्यादा फेयर होना चाहिए। बाकी उसका जो भी है, जो मार्केट फेयर देने के लिए तैयार है वो फेयर चार्ज कर सकता है। जैसे मैंने कहा, केवल मोबाइल से या वेब बेस्ड बुकिंग होगी, ऐप बेस्ड या वेब बेस्ड बुकिंग होगी, सीट्स आपको शर्तियाँ मिलेगी और सारी पेमेंट्स डिजिटली करनी होंगी। ये सारी बसेस, इनका एक लोगो और एक यूनिफॉर्म कलर कोड वगैरह हम कर रहे हैं, और बस के अंदर एग्रीगेटर जो है वो अपना एडवर्टाइज कर सकता है और उस एडवर्टाइजमेंट से बस के अंदर वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। इस स्कीम को आज हम एलजी साहब के पास भेज रहे हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, एलजी साहब को ये तय करना है कि वो इस स्कीम को राष्ट्रपति को रेफर करेंगे या दिल्ली सरकार को आगे बढ़ने की इजाज़त देंगे। दिल्ली सरकार ने अपनी स्कीम फाइनल कर दी है, अब ये राष्ट्रपति, इनके पास जाएगी एलजी साहब के पास। एलजी साहब या तो इसको राष्ट्रपति को, अगर असहमत है तो राष्ट्रपति को रेफर करेंगे, पर मुझे उम्मीद है कि पब्लिक वेलफेयर की स्कीम है, वो क्यों करेंगे। दूसरा, एलजी साहब से आने के बाद इस स्कीम को हम पब्लिक फीडबैक के लिए, हम इसको 1 महीने के लिए वेबसाइट पर डालेंगे, ताकि जनता जो भी फीडबैक देना चाहे जनता फीडबैक दे, और जनता के फीडबैक के आधार पे अगर कुछ माइनर चेंजेस इसके अंदर करने हुए तो चेंजेस करके इसको जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली दिल्ली नहीं, पूरे देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो, ये उससे अलग है। मोहल्ला बसेस तो हम ही चला रहे हैं, सरकार चला रही है, ये सारा का सारा प्राइवेट है। हमने तो एक स्कीम बना दी, अब स्कीम में जो भी आएगा वो चलाएगा इसको।